नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आए हुए हैं जीवन मोटर्स नेक्सा शोरूम, जो कि अपना होशंगाबाद रोड पे लोकेटेड है। और जिस गाड़ी के बारे में आपको डिटेल देने वाला हूँ वो अपनी मारुति सुजुकी बलेनो डेल्टा, जो कि अभी न्यूली रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स रहेंगे, क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इस गाड़ी की डिटेल की बात करें दोस्तों, तो इस गाड़ी में आपको जो है फ्रंट में ये क्रोम ग्रिल वगैरह मिल जाती है, और एज़ कम्पेयर टू सिग्मा इसके बेसिक मॉडल से, तो वो सारे डिफरेंस भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। तो फ्रंट से स्टार्ट करें दोस्तों, सेम इसमें हेडलैम्प मिल जाता है, जो आपको मिल जाता है सिग्मा वेरिएंट में। प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है येलो कलर का, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इंडिकेटर्स, और नीचे आप देखेंगे तो फॉग लैंप की हाउसिंग इसमें मिल जाती है। और फॉग लैंप इसमें नहीं मिलेगा आपको, तो वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। सेंटर ग्रिल इसकी क्रोम में मिल जाती है, और पहले वाले मॉडल से अगर अपन कंपेयर करें तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया गाड़ी में, मतलब अलग ही लुक आ रहा है इसका। और ये आप पूरा देख लीजिए, और रेड कलर आप देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी प्रीमियम और बढ़िया लग रहा है, और बिल्ड क्वालिटी भी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई है पहले के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं दोस्तों साइड में देखेंगे दोस्तों, तो 15 इंचेस के आपको स्टील रिम मिल जाते हैं विथ व्हील कवर। तो स्टॉक गाड़ी जो आती है उसमें सेम टू सेम यही गाड़ी है, इसमें कोई वैसे इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आप देख लीजिए, इसका जो व्हील कवर का डिज़ाइन है वो पहले से काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 15 इंचेस के इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं अपोलो के। साइड मिरर की बात करें दोस्तों, तो टर्न इंडिकेटर इसी में इंडिकेटेड मिल जाएंगे, और सेम डिज़ाइन पहले वाली बलेनो से इसमें लिया गया है, तो आप चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट इस गाड़ी में आपको जो है डोर हैंडल और अपने साइड मिरर बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं, तो ये आप चेकआउट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्रोम व्रोम किसी तरीके की क्रोम गार्निश वगैरह नहीं मिलती, जो इसके बाद वाले वेरियंट्स आपको मिलेगी, तो पूरा देख लीजिए। रियर में देखेंगे दोस्तों, तो ये इसका रियर भी जो टायर है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाई स्टॉप लैम्प। और इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका एंटीना, जो कि सेम डिज़ाइन का है पहले वाले की तरफ। और इधर आपको मिल जाता है डीफॉगर, आपको किसी भी तरीके का जो इसमें वाइपर वगैरह नहीं मिलता है, जो कि आपके पहले वाले डेल्टा मॉडल में आता था, बट इसमें नहीं आता है। टेल लैम्प का डिज़ाइन आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, और बलेनो की जो बैजिंग है वो पहले आती थी एकदम स्ट्रेट, अब थोड़ी सी टिल्ट में आ रही है, तो काफ़ी सही लग रहा है। अब इसका बूट ओपन कर लेते हैं अपन। तो ये रहा दोस्तों उसका बूट, इसमें आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, सिग्मा में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, तो ये आप चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रॉसरी हुक, और इधर पे आपको किसी तरह का लैंप वगैरह नहीं मिलता है। बूट इसका अभी भी पहले की तरह नीचे है, बहुत गहरा टाइप का है। और ये रहा इसका स्पेयर व्हील दोस्तों, ये इसकी सारी जो किट वगैरह रखी हुई है। स्पेयर व्हील भी आपको मिल जाता है 15 इंचेस का, कर देते हैं उसको बंद। तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक इसमें दिया हुआ है, और टेल लैम्प आप देखेंगे दोस्तों, तो पहले जो है आपको टेल लैम्प रहती थी बस इतने पार्ट में ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अभी ये वाला जो पार्ट है वो भी ऐड ऑन हो गया है, तो आप देख लीजिए। 4 सेंसर आपको इसमें मिल जाएंगे, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, आप आपको स्पेस दिए नंबर प्लेट के लिए। आइए साइड से पूरा लुक ले लीजिए दोस्तों इसका। अब चलते हैं दोस्तों इसके इंटीरियर में, देखते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसकी कीज़ देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की की मिल जाती है, 2 कीज़ में आपको मिलेंगी, इसमें आपको लॉक और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, और जैसे आप इसका डोर ओपन करेंगे। और बिल्ड क्वालिटी आप देखेंगे दोस्तों, तो आप आवाज़ सुनिए गेट की, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है इसका जो डोर वगैरह है। अब ये इसका रहा डोर का पैनल, तो ड्यूल टोन में आपको इसका पैनल मिल जाएगा, जो कि आपका रहेगा ब्लू और ब्लैक में। यहाँ पर आपको फैब्रिक मिल जाता है, और यहाँ पर आपको प्लास्टिक टाइप का मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्रोम हैंडल नहीं मिलते हैं, ब्लैक कलर में मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा मुझे कम लगा, मतलब एज़ कम्पेयर टू पहले वाली जो डेल्टा आती थी। चारों पावर विंडो इसमें मिल जाती है, इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग मिल जाएगा, ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलेगा आपको मैनुअली इसको फोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ से आपको जो इसके ORV में यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है इसके जो AC वेंट से कुछ डिज़ाइन में मिल जाता है, या आपको जो है एक ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगा पूरे डैशबोर्ड पर। और सेंटर में आप देखेंगे दोस्तों, उसकी की में इंसर्ट कर देता हूँ, कुछ इस टाइप की आपको MID मिलेगी सेंटर में, और लेफ्ट में RPM मीटर, और राइट में आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है। इसकी स्टेयरिंग व्हील आप देखेंगे दोस्तों, तो सिमिलर टू आपकी जो स्विफ्ट की तरह मिल जाती है, इसको अपन बंद कर देते हैं। तो ये रहा इसका स्टेयरिंग व्हील। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर मिल जाएंगे, वो भी अपन देखेंगे। और यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, तो सनवाइज़र मिल जाता है आपको, टिकट होल्डर नहीं मिलता है। सेम आपको लाइट्स मिल जाती हैं जो पहले आपको आती थी, और यहाँ पे आपके जो मिरर दिया हुआ है सेंटर में आपको दोस्तों, MID इसका जो डिस्प्ले दिया हुआ 7 इंचेस का है, और ये आप पूरा चेकआउट कर लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि अपना
मारुति की सारी गाड़ियों में होता है वो सारा दिया हुआ है। और रेड कलर की इसमें इल्यूमिनेशन आपको मिल जाती है, स्टीयरिंग व्हील में आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सिग्मा मॉडल में आपको नहीं मिलता है तो वो आप देख सकते हैं। और ये आप देख लीजिए, आपके जो ब्लूटूथ टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी इसमें आपको मिलेगा। और एसी का डिज़ाइन भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, इधर पे आपको USB कनेक्ट मिल जाता है और 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में आपको इसका गियर नॉब मिल जाता है, 5-speed गियरबॉक्स मिल जाएगा इसमें। और सेम इसमें इंजन है जो कि पहले आता था बलेनो 1.2 लीटर का। और इधर आप देखेंगे तो हैंड ब्रेक मिल जाता है विथ क्रोम, और यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाती है। और हेडरूम गाड़ी का बहुत बढ़िया, मतलब अमेजिंग। 2 एयरबैग्स मिल जाएंगे इस गाड़ी में आपको, ये रहा इसका आपका ग्लव बॉक्स। और इधर आप बात करेंगे दोस्तों तो ऑटो डाउन और ऑटो आपके साथ मिलेगी, तो सिग्मा वेरिएंट से आपको मिल जाता है तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब चलते हैं दोस्तों पीछे और देखते हैं इसका कम्फर्ट। तो रियर्स आप लुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका डोर का लुक, और काफ़ी वाइड ओपनिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक मिल जाता है, और ये रहा इसके पावर विंडो, और ये रहा इसके डोर हैंडल जो कि आपके रहेंगे ब्लैक कलर के। ये रही इसके दोस्तों सीट जो कि आपकी रहेगी बेंच फोल्डिंग आई गेस, और ये रही इसके फैब्रिक। बैठ के देखते हैं दोस्तों। तो भाई कम्फर्ट बहुत है गाड़ी में, और स्पेस भाई एकदम अल्टीमेट है। ये आप देख लीजिए पीछे से भाई, यहाँ मैं बैठा हूँ। बस एक गाड़ी में जो कमी मुझे लगी वो इसके हेडरेस्ट में, क्योंकि पहले जो डेल्टा वेरिएंट आता था उसमें आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते थे, बट इसमें नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको स्पेस दी हुई अगर अपना मोबाइल वगैरह रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हैं। तो ये आता है रियर से पूरा लुक इस गाड़ी का, और ये आप चेकआउट कर लीजिए। बाकी दोस्तों 3 लोग आराम से पीछे बैठ सकते हैं, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले भी स्पेस बहुत ज़्यादा था गाड़ी में, अभी भी है, और भाई गाड़ी और भी ज़्यादा प्रीमियम और बढ़िया हो गई है, मतलब बढ़िया। अगर आप आके देखेंगे इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू पहले से अगर कंपेयर करते हैं तो। तो ये आप देख लीजिए। अब इसके एक शोरूम कॉस्टिंग की बात करें तो 7,19,000 कॉस्ट करती है भोपाल मध्य प्रदेश में। बाकी कलर्स भी आपको और भी अवेलेबल हो जाएंगे इसमें। और अगर आपको इसकी और भी डिटेल्स वगैरह लेनी है, फिर आप इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह करना चाहते हैं, तो जीवन मोटर्स नेक्सा शोरूम पे आप विजिट कर सकते हैं और सारी डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। और इसके फ्रंट हेडलैम्प देखिए तो येलो कलर में आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।